सो गाइस पोको फिंग यूजर्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। हम टाइटल से देख लिया हो कि यार नया अपडेट आ चुका है, ऑफिशियल अपडेट कह सकते हो आप इसको। स्टेबल बेस्ड ऑन एंड्रॉयड क्यू स्टॉक रोम का, ना कि शॉमी डॉट यू का। 11.0.4.0 का यह जो आपका अपडेट है अभी तक ठीक ठाक लग रहा है, क्योंकि अभी तक मैंने इसको इंस्टॉल नहीं करा है। और अभी तक मैं अपने दोस्तों से पूछा कि उनके पास ये पोको फैन है, तो उन्होंने भी अभी तक वो भी फ्लैश कर डाउनलोड करूँ। सो स्टिल रिव्यू की वीडियो आपको उसके कल मिल जाएगी। प्लस जो भी अभी करंट है वो इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसीजर है। सिंपल आपको ब्रोम यहाँ पे फ्लैश करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो फटाफट यहाँ पे करना है, हमने करना है वाइप में जाना है। एडवांस वाइप डेल्वी कैचे सिस्टम डेटा कन्फर्म टू फ्लैश। हो गया, नमस्कार, मेरा नाम है अखिल और मेरे चैनल का नाम है स्मार्टफोन। तो जिसने को सब्सक्राइब कर लो जो भी नया देख रहे हैं। और एज ऑलवेज अगर वीडियो पे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो शेयर करना मत भूलना। सो दोस्तों लेट स्टार्ट द वीडियो। फैक्ट्री सेट करने के बाद बैक आना है। बैक आने का जो आपकी रोम है ये रही मीआई पोको F1 ग्लोबल 11.0.4.0 का अपडेट है बेस्ड ऑन एंड्रॉयड क्यू। तो बहुत लोग के मन में ये होगा कि भाई कहीं शॉमी डॉट यू का नहीं, भाई शॉमी डॉट यू का नहीं, ये स्टॉक रोम का ही जो अपनी पोको F1 की स्टॉक रोम है, तो शॉमी डॉट यू का अपडेट नहीं है। उसके हमने करना है कन्फर्म टू फ्लैश। अब चलो अच्छी बात है, स्टेबल वेंडर भी आ चुका है एंड्रॉयड क्यू का, तो OS में बैटरी बैकअप भी आपको बढ़िया मिलेगा। परफॉर्मेंस वाइज तो वैसे ठीक थी, बट अब बैटरी बैकअप भी आपको अच्छा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू जो आपका पाई का वेंडर था। और दूसरी बात है कि जो भी अब जितनी भी एंड्रॉयड क्यू पे रोम्स ऐसे ईवो होगी, हैवा होगी, उन पर भी अब थोड़ा स्टेबलाइज होगी, उनमें बैटरी बैकअप इंप्लीमेंट अच्छा होगा, डेवलपर्स ट्राई करेंगे। क्योंकि अब नया जो एंड्रॉयड क्यू का स्टेबल आउट हो चुका है, तो बहुत सी जगह ऐसा पोको फोन के लिए यहाँ पर बदल जाएगी। सो लेट्स सी, कल आपको इसका रिव्यू की वीडियो मिल जाएगी। वैसे अभी तक बहुत ये भी भाई रूमर एक तरह से आ रहे हैं कि ये वाला जो अपडेट है MIUI 11 का ऐसे ही है, मतलब इतना खास नहीं है। वो तो रिव्यू की वीडियो के बाद ही चलेगा, बट स्टिल मैंने थोड़े ग्रुप में भी देखा, भी लोग वहाँ पे ये कह रहे हैं कि शिट है ये अपडेट, मतलब खास नहीं है जो ये वाला अपडेट है MIUI 11 का, 11.0.4.0 का जो आपका अपडेट है बेस्ड ऑन एंड्रॉयड क्यू स्टेबल अपडेट। मैं नहीं कह रहा, वहाँ पर लिखा हुआ था। सो तो पता चलेगा कि भाई टच रिस्पॉन्स कैसा है, हर चीज़ देखी जाएगी। क्योंकि मेरा तो NVT नहीं है, FTS डिस्प्ले पैनल है, तो मुझे इतनी फेस नहीं होती, बट स्टिल जिनका NVT है उनको ये चीज़ प्रॉब्लम फेस होती है भाई, टच की, टच रिकगनाइज नहीं करती सही से, मतलब रिस्पॉन्ड नहीं करती, कहने का मीनिंग ये है। तो ये भी टच रिस्पॉन्स देखा जाएगा, परफॉर्मेंस मेन बैटरी बैकअप देखा जाएगा इधर। क्योंकि आप पता क्या हो चुका है गाइस, अब ये रोम आपकी एंड्रॉयड क्यू पे हो चुकी है। क्योंकि जितनी भी एंड्रॉयड क्यू की रोम थी, जैसे कस्टमर्स थोड़ा उन बैटरी बैकअप अच्छा था एज़ कम्पेयर टू आपका पाई रोम। मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, थोड़ा ही कह रहा हूँ, परफॉर्मेंस पाई रोम की ज़्यादा बढ़िया थी, बट बैटरी बैकअप मुझे ज़्यादा हमेशा बढ़िया लगा था एंड्रॉयड क्यू की रोम्स का। किसी किसी का साई रोम्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हाँ मानता हूँ कि पाई जो आपकी पाई की कस्टम रोम्स थी वो बहुत स्टेबल थी एज़ कम्पेयर टू आपकी एंड्रॉयड क्यू की रोम्स, क्योंकि उसमें स्टेबल वेंडर था पाई का। अब इधर एंड्रॉयड क्यू का स्टेबल वेंडर निकल चुका है, सो बहुत चीज़ें मैं दोबारा भी रिपीट कर रहा हूँ कि चेंज हो जाएगी पोको फोन यूजर्स के लिए, हमारी डिवाइस के। सो लेट्स सी गाइस, देखते हैं यहाँ पे पैचिंग वेंडर इमेज हो रहा है फ्लैश। ट्राई कर सकता था बहुत पहले वीडियो बनाने की यार, बट थोड़ा बिजी था तभी गाइस, थोड़ा टाइम लग गया मुझे वीडियो बनाने में, अप्रॉक्स 8 बज चुकी है। सो इसके बाद अब आपको कल इसका रिव्यू मिल जाएगा, और कलर ओएस का जो 7 कलर ओएस की रोम है उसकी वीडियो आपको कल मिल जाएगी। पोको फोन के लिए जो पोर्ट है तो उसकी वीडियो आपको कल अवेलेबल हो जाएगी। तो फर्स्ट पहले ये प्रायोरिटी थी जो भी मैंने, तो मैं आज कलर उसकी बनाता वीडियो। और यस रिव्यू में पबजी का भी रिव्यू दूंगा इस बार श्योर, ठीक है, तो उसे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर आपकी रोम भी इधर फ्लैश हो चुकी है, बैक आना है, बैक आना है। यहाँ पर मैच भी फ्लैश कर सकते हो, बट स्टिल वो ऑप्शनल है। अगर आप एक बार स्टॉक को देखना चाहते हो कि भाई अब तक कैसा है कंपेयर टू आपका प्रीवियस वर्जन था पाएगा, वो सब कुछ आप पर डिपेंड होता है कि आप थोड़े दिन स्टॉक को जाना चाहते हो, तो मैं आपसे वैसे भी आप यहाँ से फ्लैश कर सकते, नहीं तो लीट। तो यहाँ से हमने रिबूट टू सिस्टम कर देना है, डू इंस्टॉल। और यार मैंने वो भी कहा था कि ब्लैक शार्क 1 GSI की पबजी रिव्यू, वो भी अभी तक नहीं आया। सो सॉरी गाइस, बहुत पेंडिंग वर्क हो रखा है और बिजी भी बहुत हूँ, तो टाइम नहीं निकल रहा है गाइस, सॉरी। उसी वही मेन एक यहाँ पे है कि टाइम नहीं निकल रहा है। तो अभी इधर आपको पोको फोन का भी लोगो आ चुका है पावर्ड बाई एंड्रॉयड, थोड़ा टाइम लगे यहाँ से बूट होने में। मेन चीज़ का भाई बार ट्वीट कर रहा हूँ कि यार टच रिस्पॉन्स और बैटरी बैकअप देखा जाएगा इस रोम का, परफॉर्मेंस से हमें कोई ना देना नहीं, कि परफॉर्मेंस आजकल हर पाए या क्यू रोम में हमें मिल रही है ठीक ठाक, बट स्टिल वही बात है कि बैटरी बैकअप कैसा होगा और ये जो वेंडर है ये दूसरी रोम्स में कैसे इम्प्लीमेंट होगा, मतलब कैसे इसके बिहाफ पे हमें अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छी बैटरी बैकअप, अच्छा टच रिस्पॉन्स मिलेगा, वो सब कुछ अब देखा जाएगा। अब डेवलपर्स ट्राई करने से OS का भी अब एमोक्सर शायद क्या पता डाल दे,
एंड्रॉयड क्यू का वेंडर, क्योंकि नया अपडेट बस आने वाला है 5-6 दिनों में। सो स्टे ट्यून्ड रहना। सो लेट्स सी, मेरी भी उनसे बात हुई थी, 5-6 दिनों में नया अपडेट आपको उसका मिल जाएगा। श्योर नहीं हूँ बट उन्होंने यही कहा था। सो लेट्स सी, अब क्यू का भी वेंडर आउट हो चुका है तो ज़रूर वो इंप्लीमेंट करेंगे ओएस क्यू रूम में। सो लेट्स सी, बेटर देन HNY बिल्ड भी आप जो आपका न्यूयॉर्क का बिल्ड था उससे अच्छा है, देखते हैं भाई। प्लस पॉइंट ये मिल गया है कि एंड्रॉयड क्यू का स्टेबल वेंडर आउट हो चुका है, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। सो वेट करते हैं गाइस, बूट हो रही है यहाँ पे। सो गाइस यू कैन सी आर पोको एफ एन एस बूटेड सक्सेसफुली ऑन मियो 11 बेस्ड ऑन एंड्रॉयड क्यू, स्टेबल मियो 11 जो आपकी नया अपडेट आया था, आई मीन आ चुका है एंड्रॉयड क्यू का स्टेबल। तो अभी इसलिए कह रहा हूँ कि लिखा हुआ है क्योंकि रिव्यू की वीडियो अभी तक गाइस मैंने बनाई नहीं है, सो कुछ नहीं कह सकते अभी। परफॉर्मेंस तो हमें पता है कि यार अच्छी मिलती है स्टॉक पे, बट मेन है कि टच रिस्पॉन्स, उसके बाद बैटरी बैकअप, ये सारी चीज़ें काउंट होगी फ्रेंड्स, जब ही मज़ा है इस चीज़ को, मतलब इस रोम को यूज़ करने का, स्टॉक रोम को अनार पोको एफ1। नहीं तो आप OS ही चूज़ करो, वो ज़्यादा आपके प्रेफरेबल होगा, नहीं तो फ्रेंड्स आप पे डिपेंड है वो, बट जो मेरी रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से चलोगे तो फ्रेंड्स आपका ही इसमें बेनिफिट है। थोड़े दिनों आप इसको यूज़ कर सकते हो और 5 to 6 days इस पर ही रुक के OS का अपडेट का वेट कर सकते हो, ये आपके लिए ज़्यादा एक अच्छी मैं सजेशन आपको दे सकता हूँ, क्योंकि 26-27 तक ही आपको अपडेट मिल जाएगा उससे पहले OS का। सो लेट्स सी, और अब तो बहुत बड़ी बात है कि भाई भाई बार बार रिपीट करें यार, बहुत सी होती है कि एंड्रॉयड की को स्टेबल वेंडर अब निकल चुका है, वो बहुत बढ़िया फर्मवेयर आपका प्लस जो वेंडर है वो आउट हो चुका है, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है यार। सो होम स्क्रीन पर आपका रिवाइज आ चुका है, फटाफट एक बार इसके अवार्ड सेक्शन में चले जाते हैं। आपका मियो 11 ग्लोबल 11.0.4.0, सो आपका स्टेबल यहाँ पे है बेस्ड ऑन एंड्रॉयड क्यू, एंड्रॉयड सिक्योरिटी आपका 1 जैन 2020 का है। सो बहुत अच्छी बात है, चलो भाई एंड्रॉयड सिक्योरिटी में लेटेस्ट होगा तो ऑब्वियसली मिलेगा ही, जब अपडेट ये रोल आउट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच देंगी, और ज़्यादा कुछ है नहीं गाइस, अच्छी बात है चलो अपडेट मिल चुका है, बहुत यहाँ पे प्लस पॉइंट मुझे अच्छा लगा कि भाई बहुत जल्दी, कि हम सोच रहे थे कि Q1 के एंड तक ही आएगा, मतलब फेब या मार्च तक, बट उससे पहले ही इन्होंने पुश कर दिया, तो बहुत बढ़िया बात है कि जैन तक, तो मैंने आपको क्या कहा था जैन तक ही मिलेगा और वो बात सच होगी, कि ज़्यादा ज़्यादा मैंने आपको क्या है, जब मैंने एक MIUI 11 की वीडियो बनाई थी कि कब तक आपको एंड्रॉयड क्यू का पोको फोन के लिए अपडेट मिलेगा, वो या दिसंबर या जैन, और आप देख लो जैन में ही, आप दोबारा भी देख सकते हो वीडियो, तो मैंने मैक्सिमम टाइम दिया था जैन तक आपको ये अपडेट मिल जाएगा, और अपडेट मिल गया आपको, सो बहुत अच्छी बात है। और आपको यहाँ पर कुछ नहीं है, डिवाइस पोको फोन, डिवाइस मॉडल पोको फोन, MIUI वर्जन MIUI 11 ग्लोबल 11.0.4.0, स्टेबल एंड्रॉयड वर्जन एंड्रॉयड क्यू, एंड्रॉयड सिक्योरिटी 2020 1.1। सो दैट्स ऑल्सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो शेयर करना मत भूलना फ्रेंड्स। डोंट फॉरगेट टू जॉइन माय टेलीग्राम ग्रुप, लिंक भी ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन टू, और जो आपके वेंडर का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वेंडर फॉर्मवेयर, और आपकी जो रूम है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और रिव्यू की वीडियो पक्का विद पबजी आपको प्रॉमिस कल तक मिल जाएगी यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिव्यू की वीडियो निकालनी, क्योंकि मेजर अपडेट है पोको फोन के लिए, तो ऑब्वियसली इसकी आपको रिव्यू की वीडियो जरूर मिलेगी कल। ओए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।